आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। सड़क निर्माण में की जा रही लापरवाही, ठेकेदार और आला अधिकारी की निर्माण कार्य में लापरवाही। छठ घाटों का एसडीएम ने किया औचक निरीक्षण, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पुरानी रंजिश में युवक की हत्या, दबंगों ने घटना को दिया अंजाम। छठ त्योहार पर जिलाधिकारी की बैठक, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के दिए गए निर्देश। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय युवकों को दी रिहाई, परिजनों और गांव में खुशी का माहौल। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। शुरू करते हैं बिहार की खबरों के साथ। गांधी चौक पर बनाए जा रहे सड़क मार्ग को लेकर ग्रामीणों ने मां विंध्यवासिनी कंस्ट्रक्शन के ठेकेदार और नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण कई जगहों पर नवनिर्मित सड़कें अभी भी उखड़ रही है। वहीं आला अधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की गई तो उन्होंने जिलाधिकारी से बात करने की सलाह दी है। हो रहा है कि दमौरा ग्राम का ये मेन रोड है और मेन रोड होने के नाते यहाँ पे जो पुल बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, इसमें मटेरियल बिल्कुल डुप्लीकेट डाला जा रहा है, इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पुल में जो पाया बन रहा है, पाया में एक भी छड़ का उपयोग नहीं हो रहा है और बालू जो है ये नदी का बालू है, दो नंबर बालू है। और आकर देख लीजिए, दूसरे नंबर में क्या है कि ये लोडेड गाड़ी इस पर चलता है। यहाँ पे ये पुल बन रहा है, इसमें सरिया एक भी नहीं डाला जा रहा है और टोटल नदी का बालू लाकर यहाँ पे ढलाई हो रहा है। कहाँ पे ये ढलाई हो रहा है? ये धमौरा से गांधी चौक के बीच में, धमौरा का बाहर एक गांधी चौक है, उसके बीच में ये हो रहा है। यहाँ से 5 गांव का रास्ता है, पूरा लोडेड ट्रक जाता है, अभी ये बैठ जाएगा। पुल का काम धक्का लगा, घटिया काम हो रहा है, इसको बढ़िया से करे लोग, यही हम लोग चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? बढ़िया से काम हो। इसकी शिकायत आप लोग कहीं किए हैं? मुंसी मैनेजर या जो यहाँ पे रहेगा उसी को ना कर। काली पूजा के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में कलाकारों द्वारा प्रदर्शित सांस्कृतिक नृत्य श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस त्योहार पर दूर दराज इलाकों से सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा अर्चना भी करते हैं। सुबह से ही लिंक का प्रॉब्लम है, मैं सुबह 6 बजे से मैं दुकान अपना खोल करके बैठा हुआ हूँ, पूरे कार्डधारी आ रहे हैं, जब कार्ड डालने पे वो लिंक का प्रॉब्लम बता रहा है, बार बार आउट हो जा रहा है। गांव का जो मेला है ये 1883 ईस्वी में हमारे पूर्वज पंडित महामहोपाध्याय स्वर्गीय रतिनाथ झा के द्वारा पूर्व कब में जो बूढ़ी काली है उसका वो स्थापना किया गया था और अभी छोटी काली का जो है 1971 में इसका स्थापना हुआ था। ये हमारे यहाँ एक परंपरा चली आ रही है, ये हमारे पूर्वज के ही द्वारा आज भी पूजा की जाती है और ये मेला की काफी विशेषता है। ये बहुत शक्तिपीठ के रूप में जानी जाती है ये काली, और सबसे बड़ी विशेषता है जो यहाँ पर जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो सिद्ध होती है। ये बहुत 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 चारों बगल में इस गांव का नाम है, संपूर्ण गांव के लोगों की निगरानी है। कहने के लिए गांव में दो जगह पूजा तमाशा हो रहा है, लेकिन आपसी भाईचारा सामंजस्य के साथ एक ही जगह हो रहा है। वहाँ पर 1883 से उस स्थान पर हो रहा है, नया काली स्थान 1971 से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर एडजस्ट भीड़ आबादी बढ़ गया था जिसके चलते दिक्कत हो रही थी, परेशानी थी, लेकिन अब यहाँ पर हो रहा है तो आपसी सही। छठ त्योहार के चलते रामनगर थाना परिषद में एसडीएम अनुपमा सिंह के नेतृत्व में शांति समिति की बैठक की गई। इसके साथ ही एसडीएम ने अन्य अधिकारियों के साथ छठ घाटों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। शांति समिति की
चेयरमैन नागेंद्र शाह समेत कई समाजसेवी संगठन भी इस बैठक में मौजूद रहे। संवेदनशील भी घाट को ही क्या? नहीं, संवेदनशील घाट को इधर नहीं है, एक मुख्य घाट है जैसा बताया मैंने, यही एक मुख्य घाट है जहाँ पर भीड़ होती है। दबंगों ने पुरानी रंजिश के कारण युवक की हत्या कर दी है। मृतक युवक के परिजनों ने गांव के कुछ लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। वहीं पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के भी निर्देश जारी किए गए हैं। सूत के उठले हमर बेटा, हमरा कल के मम्मी तू हमरा 1500 टका दे, हम सहरसा जेबे कपड़ा ले। उतने में की कल के वो कल के मैं लैट्रिन करके आबे छी, ओए सब पाने एगो लड़का कहल के की से 100 गोली भेजा में मारबे, 100 गोली भेजा मारबे, कहियो हमरा नहीं कल के वो कपार पर हाथ देले, वो की कल के वो हमर जबरदस्ती हाथ वो माथा पर दियल के, माथा पर दियल के। उतने काल के एगो लड़का एले, ओकरा कौन लड़का आये हमर नुनू तुरंत 5 मिनट के सेकंड में झाड़ा फिर गेले, झाड़ा फिर की वो आम गाछ लुंग मार देल के मार रखल के मामा जे की हमरा 2000 रुपया चाहिए। अब बस हमें बाजार एलिए बच्चा के साइकिल कसाबे ले, तब तलिक में एकर बहिन फोन कलके मामा हो भैया गोली मार दल के, तुरंत हलचल भए गेले। तब तलिक में घर में जाके हम कहलिए बरियाही में गोली मार दल के रंजीत के, से न सब आदमी सब दूगो टेम्पू का रिजर्व करके मोटरसाइकिल से सब एलिए एकरा देखे ले सदर हॉस्पिटल। खेत पर फसल की देखरेख कर रहे बुजुर्ग की सांप के काटने से गंभीर परिस्थितियों में ग्रामीणों ने इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया था, जहां घंटों इलाज के बाद बुजुर्ग की मौत हो गई है। बुजुर्ग की मौत की सूचना पाकर परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। 27/10 को सुबह में, सवेरे दिनांक 27/10/2022 को सुबह में गए थे खेत पर घूमने के लिए खेत तो धान हम देखने जाते हैं, तो 4 बजे उठ करके सुबह में चले जाते थे, डेली था कि खेत घूमते थे चलाते थे। सुबह में 4 बजे गए और जा करके वहाँ पर खेत के पास में एक पैन था, पैनिया इपट्टी टपना पड़ता था वो दूसरा खेतवा में, तो पैनिया टप रहे थे, उसमें पानी भरा हुआ था। पैन टपने के दौरान वहीं पर एक अजगर गोहमन उसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे कोबड़ा बोला जाता है, और उसी समय उनको जो गोहमन था ना काट लिया, काटा ना तो देख लिए कि फल्ला यह सांप है। हालांकि तो अगल बगल आदमी जो था जुटा और सांप वहां पर मारा गया, सांप मिल भी। खबर रोहतास से है, जहां पुलिस ने काव नदी पर निर्माणाधीन पुल के बेस कैंप पर हुए लूटकांड का खुलासा किया। वहीं मामले की जानकारी देते हुए एसपी ने बताया कि पिछले 20 अक्टूबर को रात्रि अखोड़ी गोला थाना अंतर्गत बंधुआ महुआरी गांव स्थित काव नदी पर निर्माणाधीन पुल के बेस कैंप पर अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर ट्रैक्टर सहित अन्य सामान की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसको रोहतास पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए मामले का खुलासा किया है। कोड़ीबोला थाना अंतर्गत विगत 19-20 की रात्रि को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में ग्राम बुथुआ महुआरी के पास काव नदी पर एक पुल का जो निर्माण हो रहा है उसमें जिस कंपनी के द्वारा निर्माण किया जा रहा है उसका एक बेस कैंप है, वहाँ पर उसके अंदर घुस करके अपराध कर्मियों के द्वारा अग्नियास्त्र का भय दिखा करके 3 ट्रैक्टर डाला सहित लूट लिया गया था, तथा साथ में कुछ अन्य सामान गैस सिलेंडर इत्यादि और लोहा इत्यादि उसमें लूट लिया गया। NH-57 पर तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गई, जिसके कारण हुए शॉर्ट सर्किट से ट्रक में भीषण आग लग गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारियों ने इस हादसे में किसी के घायल होने की पुष्टि नहीं की है। देखो
हताहत भी हुआ है? नहीं, हताहत की कोई संभावना नहीं है, ओनली माल जल गया। गलत क्या था? लोड आलू आलू लगा। छठ त्योहार पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में एसडीएम और नगर परिषद अधिकारियों ने सभी छठ घाटों की साफ सफाई का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने छठ पर्व को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश भी जारी किए हैं। छठ घाट पे अभी हम लोग साफ सफाई उसकी तैयारी को देख रहे हैं, साथ साथ यहाँ पे नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी को ये निर्देशित किया गया कि महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था चारों सारे जो हमारे घाट है अनुमंडल क्षेत्र में सब जगह सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी, किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। खबर धोभा ओपी थाना क्षेत्र के बसंतपुर गांव से है, जहां के निवासी एक युवक बिजली की चपेट में आ गया, जिसके बाद युवक को मौके पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहाँ तो गाँव का लड़का लोग बताया लोग गिरा हुआ, हम लोग गए यहाँ से घाट पर, गाँव से दस बारह लड़के सब एरिया लोग आए, उसको उठा कर लेकर आए, लाइन में उनको बताया, लाइन का सब लोग बताए यहाँ से लेकर सदर हॉस्पिटल में लेकर आए। खबर रोहतास जिले से है, जहां एक युवक का शव पेड़ से लटकता मिला। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। इनको घर से बुला करके कहीं मन गांव में कहीं भी मार कर करके घटना का रूप दे दिया गया है। उत्तर वाहिनी गंगा कहलगांव के ग्रामीण आए दिन किसी न किसी हादसे का शिकार होते रहते हैं। एसडीपीओ मधुकांत सिंह और शिवानंद सिंह ने गांव का औचक निरीक्षण कर सड़क किनारे बने अवैध कब्जे को 24 घंटे के अंदर खाली करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गाँव में गंगा नदी के कारण मच्छरों का आतंक है। उन्होंने बताया कि 3 लोगों की गंगा नदी में डूबने से मौत हुई है या फिर मगरमच्छ का शिकार हो गए हैं। इस पर अभी तक प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जन वितरण दुकानों में लगी पॉश मशीनों में नेटवर्किंग की समस्या से राशन कार्ड धारकों को आक्रोश का माहौल है। राशन कार्ड धारकों ने बताया कि पॉश मशीनों में नेटवर्क ना होने के कारण कई दिनों से दुकानों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पूरे मामले में अधिकारियों की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। आप सूचना दिए हैं आगे? तो अब हम निकलेगा कुल बात जो सोचना आगे दल जाओ ना दिया है ना, मशीन काम नहीं कर रहा तो जी। कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? 4 दिन से 4-5 दिन से ये समस्या है। सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे से 6 बजे तक हम लोग पर्ची काट रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा 40 से 50 आदमी को ही राशन दे पा रहे हैं। सर्वर का समस्या इतना ज्यादा हो गया है कि छठ पूजा के लिए भी लोगों को राशन नहीं मिल पा रहा है टाइम से। इन सारी समस्याओं को देखते हुए रात को 9 बजे 10 बजे तक हम लोगों को वितरण करना पड़ रहा है। देश में छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले त्योहार का पहला दिन नहाए खाए का होता है। इस त्योहार में विशेष स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, साथ ही कई प्रकार के व्यंजनों का भी निर्माण किया जाता है। ऐसी परंपरा है कि छठ पर्व पर निर्जल व्रत करने से श्रद्धालु की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है जमुना से कि भगवान सूरज नारायण सभी का मनोकामना पूर्ण करते हैं, जो कुछ मांगते हैं उसको देते हैं। और इसीलिए हम लोग इतना दिन से कर रहे हैं, 50 साल से हम छठ व्रत करते हैं और कुशी भी साथ साथ भरते हैं। यही भगवान हम लोग को दिए हैं कि जो हम कहेंगे वही हमको प्रसाद रूप में हम लोग को फल देते हैं।
भागलपुर में हत्याओं का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। पिछले दिनों जिला परिषद कार्यालय और डाकघर में चोरी के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था, तो वहीं एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की फील्ड में एक मृत युवक का शव बरामद किया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घटना के उच्च स्तरीय जाँच के आदेश जारी किए हैं। देखिए, पिछले 2 महीने से भागलपुर ऐसे शांत शहर में लगभग 15 से 20 हत्याएं हो चुकी है और पुलिस प्रशासन तो पूरी तरह फेल है। जो जंगल राज आज से 15 साल पहले लोगों ने देखा था, वही जंगल राज की पुनः वापसी हो गई है और प्रशासन चैन की नींद सो रहा है। और शहर में हर रोज़ हत्याएं हो रही है, एक भी अपराधी पकड़ा नहीं जा रहा है और प्रशासन सिर्फ अपने कागजी कामों में व्यस्त है। खिरौना गांव की ऐतिहासिक सूर्य तालाब की स्थिति बदहाल है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि छठ पूजा को मात्र 48 घंटे बचे हुए हैं, पर अभी तक प्रशासन ने कोई साफ सफाई का कार्य नहीं कराया है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर पंचायत रउई में तालाब परिसर में मछली पालन कार्य शुरू किया गया है, तब से इसकी स्थिति बदहाल हो गई है। वहीं पूरे मामले पर BDO लक्ष्मण कुमार ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है, जल्द ही ग्रामीणों की सभी मांगे पूरी की जाएंगी। अभी तक परसों है अरग परे के आया तक गंद किए है, इतना गंद की है कि हेल नहीं सकता है रामे। क्यों आखिर ये गंदगी है? सरकार ने ले लिया अपन हाथ में। ये गंदगी जो है तो फैलल है इतना गंद की, तो ये सरकार न करवाएंगे क्या? ये सरकारी देखिएगा, सरकारी है। हाँ सर, तो रहुई में खिरौना गांव है और यहाँ पौराणिक सूर्य तालाब है, बहुत ही पौराणिक, कई दशकों से हम लोग जीवन काल से देखते आ रहे हैं कि यहाँ सूर्य की आराधना छठ मैया का यहाँ त्योहार होता है इस तालाब में। पंजाब मजदूरी करने गए युवक को पाकिस्तान की सेना ने बॉर्डर पर करने और उचित कागज न उपलब्ध कराने पर पिछले 17 सालों से पाकिस्तान की जेल में बंद रखा था। जासूसी के सबूतों के अभाव में पाकिस्तान की सेना ने बाघा बॉर्डर पर युवक को भारतीय सेना को सौंपा है। युवक की रिहाई पर परिजनों और गांव वालों में खुशी का माहौल है। कौन पकड़ा था? पुलिस इलाहाबाद का, पाकिस्तान का पुलिस आपको पकड़ लिया था। आप बॉर्डर क्रॉस कर गए थे क्या? आप कुछ वहाँ पे आपको टॉर्चर भी किया गया वहाँ पे? टॉर्चर किया गया, बताया गया। अच्छा, टॉर्चर किया गया था। चलिए, 2004 में गया था। क्या करने के लिए, कहाँ गया था? कमाने के लिए गया था। कहाँ गया था कमाने के लिए? दिल्ली चला गया। दिल्ली चला गया, फिर दिल्ली से यह पाकिस्तान कैसे पहुँचा? अब कैसे चला गया ये पता तो नहीं रहा, तो लड़के से पूछा, इससे तो बताया कि इसे हम वहाँ कोई आदमी उधर का ले गया काम करने के लिए, ऐसे रास्ता था वहाँ जाने का, चले गया। हम 2004 में गए थे, जो पहले गए थे उससे पहले ही गए थे, मगर 2004 में गए थे उसका पापा लाने के लिए, वहाँ गए थे दिल्ली। तो ये वहाँ कोई सरदार के यहाँ काम कर रहे थे, तो इसका जो है उसी समय जब इसको लाने के लिए गए थे, बहुत दिन हो गया था, तो इसको लाने के लिए जब गया था तो ये वहाँ से नहीं आ रहे थे। पंचायत से जो है श्याम सुंदर दास 17 साल पाकिस्तान जेल में रह के अपने वतन यानी अपने पंचायत लौटा है, उसके विषय में सर क्या जानते हैं? मैं बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है, जो दीपावली के दिन श्याम सुंदर दास पिता भगवत दास 17 वर्ष से पाकिस्तान जेल में रह करके अपने वतन वापस आया और हम लोग जो भवन दक्षिण वार्ड नंबर 3 पंचायत में खुशी का लहर था कि आज इनका पुत्र सही सलामत अपने घर। बिहार की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।